आपकी पी वाई क्यू बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर रेडियस ऑफ गायरेशन नाम की चीज़ यूज़ हो रही है, जो अभी हमने थ्योरी में की नहीं है। जब हम कर लेंगे ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, तो इसको ना ट्राई करें, आप यहाँ से शुरू करें। ये आपका 58th क्वेश्चन है। और क्या आंसर होगा इसका? ए ए तो ए क्या कह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का अबाउट टेंजेंट, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 एम आर स्क्वायर। टेंजेंट के अबाउट क्या बनेगा, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, यानी कि 7/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ए का ऑप्शन ये तो सही है। नेक्स्ट किसका निकालना है, हॉलो स्फीयर का। हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 एम आर स्क्वायर, और आर डिस्टेंस टेंजेंट पे क्या बनेगा, 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, कितना आया, 5/3 एम आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला 5/3, तो ए ऑप्शन मार्क कर लेना सही है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? आज के लेक्चर के बाद, मोमेंट इनर्शिया की प्रॉब्लम के बाद, आप यही प्रार्थना करेंगे कि भाई मेरे सेट में तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए बस, क्योंकि किसी किसी के सेट में ऐसा आता है, कभी कभी आता है, बाकी में तो दिमाग लगता ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, आई होप ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो पिछले कई सालों में आया हुआ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन ये सॉल्व करें। और मुझे ये बता दें, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 mr², अगर एक्सिस बीच में से पास कर रहे हैं, 1/2 mr² वैल्यू होती है, 1/2 mr². कैसे करेंगे, बस मुझे मेथड बताएंगे, क्या लॉजिक है इसका, क्या आपको इसमें आई निकालने, नहीं आपको इसमें डेंसिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूं, क्या निकालूं पहले, मास कैसे निकलेगा, हमें आई पता है, देखो हमें आई पता है, आई से मास, कैसे, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/2 mr², और इस एक्सिस के अबाउट क्या बन जाएगा, 1/2 mr² प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। थ्योरम ऑफ पैरेलेक्सिस क्लियर है? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू, मुझे इसमें लेंथ भी पता है, मुझे इसमें आर भी पता है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन है इसमें 2.7, तो यानी कि 2.7 इज 1/2 mr² प्लस m इंटू एल स्क्वायर बाई 4। अब आपको वहां से हो रहा सेम, r पता है, l पता है, 2.7 पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, मास, सॉल्व करके पहले मास निकलेगा, फिर मास होता क्या है, मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या है, पाए आर स्क्वायर इंटू एल इंटू डेंसिटी। तो आपके पास एल पता है, आर पता है, मास पता है, डेंसिटी आंसर मार्क करना है। क्लियर है यहाँ तक, लॉजिक क्लियर है? अब सब कुछ ठीक है, तब कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कर लो कैलकुलेट। पहले मास आ गया, फिर मास से वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
और वॉल्यूम सेंटर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एल, पहले ये बताओ मास कितना आ रहा है, मास आ रहा है 15 kg, तो इसका तो 15 kg आ रहा होगा, तो आ ही रहा होगा, कितनों का आया 15, 15 आ रहा है, मास 15 आ रहा है, बस फिर तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से आंसर आ रहा है। मेथड समझ में आ रहा है, ये तो मुझे पता, थे कैलकुलेशन मुझे पता, इसका सोल्यूशन ना चेक कर, सोल्यूशन आते मतलब गलत होते हैं फिजिक्स के, बस सोल्यूशन हमारा, एक्सप्लेनेशन मेरी, बाकी सब तुम्हारा, कितना आ रहा है, मतलब ये आ रहा है 15 kg ना, मेथड को छोड़ दे, ये तो आधा गलती करता है, ठीक, तो 15 kg से आंसर निकालना है, राइट, कोई बात नहीं, इसको ट्राई करना, होमवर्क है, होमवर्क कर लेना, इसका आंसर क्या है। ओके, ए ऑप्शन चेक करें, नहीं बी ऑप्शन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड एल, स्क्वायर प्लेट लेमिना होती है, अबाउट एक्सेस पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट। तो ये तो क्वेश्चन ऐसा हो गया कि ये आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट के सेंट्रल एक्सेस का फॉर्मूला हमने निकाला एम एल स्क्वायर बाय सिक्स आज निकाला था, और हमें क्या करना है, हमें इसके अबाउट निकालना है कॉर्नर के अबाउट, कॉर्नर के अबाउट ये डिस्टेंस कितना होता है, टोटल डिस्टेंस रूट टू एल है स्क्वायर का, तो एल बाय रूट टू, तो आंसर क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाय सिक्स प्लस एम इंटू एल बाय रूट टू का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है, बी, बी आंसर आ रहा है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, स्क्वायर के कॉर्नर का निकालना है, ये तो ऑब्जेक्टिव शीट के अंदर भी था जो हमने क्लास में लास्ट टाइम ट्राई किया था, वैसे ही क्वेश्चन है, तो स्क्वायर का सेंटर पता है, स्क्वायर का कॉर्नर पता है, और डिस्टेंस एल बाय रूट टू पता है, तो सेंटर के अबाउट जो आई होगा कॉर्नर के अबाउट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से एम एल स्क्वायर ऐड हो जाएगा, ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर होमवर्क, होमवर्क ये 62 मत करना, 62 अभी मत करना, थ्योरी हमने की नहीं इसकी, ये 63 करना है। देखो इसमें सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये दो डिस्क हैं, और ये बताओ आप फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं अबाउट एक्सिस ए बी,
अबाउट एक्सिस ए बी, क्या फॉर्मूला लगाया आपने? एम आर स्क्वायर बाय टू फोर टू, सही है, फोर गलत है, बिल्कुल ठीक। डिस्क के डायमीटर में क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाय फोर, आप सही बोल रहे हो, पर ये यहाँ गलत हो जाएगा। उसने बहुत गड़बड़ की है पूछने वाले ने, उसने चला के दिखाई, उसने क्या किया, ए बी बना दिया सीधा, लोगों को लगा डायमीटर, लेकिन ब्रैकेट में चुपके से लिख दिया ए बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। मुझे भी ये लगा वो डायमीटर है, मुझे देखो मैं कोई भी कंफ्यूज हो जाए अगर ये ना पढ़े तो उसको लगे ये डायमीटर ही है, लेकिन जरा ध्यान से उसने बोला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में क्या लगेगा? हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन छोटी डिस्क में, छोटी डिस्क के लिए वो कह रहे हैं स्मॉल डिस्क में वन ऑफ द डायमीटर लाइंग ऑन द प्लेन, अब वन बाय फोर एम आर स्क्वायर, बड़ी डिस्क के लिए वन बाय टू एम आर स्क्वायर, छोटी डिस्क के लिए वन बाय फोर एम आर स्क्वायर। बड़ी डिस्क का एक्सिस बोर्ड के अंदर है, छोटी डिस्क का एक्सिस बोर्ड के ऊपर है, क्वेश्चन से पता लग रहा है, डायग्राम से नहीं पता लग रहा उसमें। तो क्या निकालना है इसमें आपको? मोमेंट इनर्शिया की रेशियो निकालनी है, निकाल दो। ए, इसका आंसर सी है। तो इसमें क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो निकालनी है, जो कि क्या होगी, हाफ बड़ा मास इनटू बड़ा रेडियस का स्क्वायर, वन बाय फोर छोटा मास इनटू छोटे रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाया। प्रॉब्लम ये है आर तक तो ठीक है, मास का क्या करें, बड़े और छोटे का, मास की रेशियो कैसे निकली, मतलब क्या चीज़ सेम करें? हाँ, उसने ये कहा मास पर यूनिट एरिया सेम है, तो बड़ी डिस्क का मास अपॉन बड़ी डिस्क का एरिया, छोटे डिस्क का मास बाय छोटे डिस्क का एरिया, तो यहाँ से एम बाय एम की रेशियो आ जाएगी कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ऐसे। तो इसको उठा के आप यहाँ पुट कर देना और ऑप्शन मार्क कर लेना, सी ऑप्शन आएगा। मेथड समझ में आया कि मास को उसने गायब कैसे किया, मास अपॉन एरिया की रेशियो को क्या कर लिया, सेम, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए। ट्रिक समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी, नहीं तो इतनी सी बात पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वन बाय टू वन बाय फोर में गड़बड़ हो जाएगी, और तो छोड़ो। क्लियर है यहां तक? मेथड समझ में आ रहा है कैसे किया? देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, होमवर्क लिख लो इसे, इसको नहीं करेंगे, मैथ दी फॉलोइंग तो कर ही लोगे, क्यों लेक्चर का टाइम खराब करना, होमवर्क लिखो इसे, होमवर्क लिखो इसे, होमवर्क लिखो ऐसे। देखो इजी है ये सब, कुछ नहीं करना है इसमें, ये क्वेश्चन किया हुआ है हमने क्लास में, होमवर्क लिखो ऐसे। ठीक, ये लो, देखो क्वेश्चन तो वो करने हैं जो अटकने वाले हैं, नॉर्मल करना ही नहीं है, क्लास के बाद मेरे को बहुत टाइम लगाना पड़ सकता है, नहीं तो ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं, करना आपको होमवर्क किया है, और ये क्वेश्चन मेडिकल वालों के लिए शायद आई डाउट नहीं आएगा, ठीक, इसमें मैक्सिमम मिनिमम यूज हो रहा है, शायद आपने किया भी होगा ऐसे, तो मैं बता देता हूं करना कैसे, आपकी अपनी इच्छा है, नॉन मेडिकल वालों को करना ही पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा बता देता हूं, 2020 का क्वेश्चन है ये,
आप पी वाई क्यू चेक कर लेना, 2017 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया, 2 बार रिपीट हुआ है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार आया है उसके बाद ज़िंदगी में आएगा, नहीं है, रिपीट भी हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो मेथड सीखना पड़ेगा, थोड़ा चेंज करके आया हुआ है। क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया हमें दे दिया उसने, लेकिन जो एक्सेस है वो परपेंडिकुलर टू दिस सिलेंडर है। ये देखो, ये आपका सिलेंडर है और आपका जो एक्सेस है वो ऐसे है, तो ये एक्सेस परपेंडिकुलर टू द एक्सेस, ये एक्सेस ऑफ सिलेंडर होता है और इसके परपेंडिकुलर ऐसे। तो इसका फॉर्मूला वैसे तो मैंने आपको याद भी करने को कहा था, पर चलो कहता बच्चे याद क्या करेंगे, मेरे से लो लो फॉर्मूला ही ले लो, बात खत्म। तो फॉर्मूला दे दिया उसने आई का, अब वो कह रहे हैं इफ सच अ सिलेंडर इज टू बी मेड फॉर अ गिवन मास ऑफ अ मटीरियल, तो कह रहे हैं जी मास सेम रखना है, मतलब सब कुछ सेम है, वॉल्यूम मास डेंसिटी कुछ नहीं चेंज करना आपने, आप बस ये बताओ इसको आप खींचो, छोटा करो बड़ा करो कैसे भी करो, एल बाय आर की रेशियो क्या लें ताकि आई की वैल्यू जो आपने निकाली वो क्या आए, मिनिमम आए, मुझे आई मिनिमम चाहिए। अब तुम चाहे लंबाई बड़ी करो, रेडियस को छोटा करो, या इसको दबा दो रेडियस बढ़ जाएगा लंबाई छोटी होगी, कुछ तो ऐसा करो एल और आर का जिससे कि ये आई मिनिमम हो जाए। प्रॉब्लम समझ में आ गई पहले ये बता दो, ठीक है। तो आप आई को मिनिमाइज करना चाहते हो, आई का फॉर्मूला आपके पास है, किसी भी चीज़ को मिनिमम या मैक्सिमम करना हो तो उसके लिए मैक्स में क्या तरीका है, क्या करूं मैक्सिमम मिनिमम में क्या करूं आई को, किया तो था प्रोजेक्टाइल में, क्या जीरो पुट करूं, डिफरेंशिएशन करके इसकी इक्वल टू जीरो पुट करूं, सिंगल से चल जाता है। तो आई को अगर मिनिमम करना है, आई को अगर मिनिमम करना है तो आप इसे डिफरेंशिएट करो और इक्वल टू जीरो पुट कर दो। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करो, आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक एल है और एक आर है, क्योंकि एल बाय आर की रेशियो में से एल और आर दोनों चेंज हो सकते हैं, तो तुम चाहे इसे आर के साथ डिफरेंशिएट करो या एल के साथ करो, तुम्हारी मर्जी है, इक्वल टू जीरो कर दो। मैथ वालों को प्लस टू में ये टॉपिक आएगा, मैथ में मिनिमा एंड मैक्सिमा दबा के आएगा, जबरदस्त तरीके से आएगा, तो इसलिए ये तो चिंता ही छोड़ देना मैथ्स वाले कि हमें कैसे पता लगेगा ये डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो, तुम्हें इतना तुम्हारे डीएनए के अंदर चला जाएगा प्लस टू के अंदर मैक्सिमा मिनिमा, मतलब कि तुम बाहर नहीं आ पाओगे इससे, तुम्हें दूर से पता लग जाएगा, मेडिकल में ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ से आएगा, ठीक है। 2 मिनट सुन लेते हैं। अब इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो आई की वैल्यू मैं पुट करता हूँ एम आर स्क्वेयर बाई 4 प्लस एल स्क्वेयर बाई 12 इक्वल टू जीरो, पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है इसमें आर भी वेरिएबल है और एल भी वेरिएबल है, तो मैं एल को तो कर दूंगा, आर को कैसे करूं, क्योंकि यहां पे विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है एल, मैं एक काम करता हूं ना, उस चक्कर में पढ़ूंगा ही नहीं, मैं आर को छुपा दूंगा, आर स्क्वायर को घुमा दूंगा, कैसे, ये देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, तो मैं क्या करूंगा आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, वी डिवाइडेड बाय पाई एल, वी तो कांस्टेंट ही होता है, पाई तो कांस्टेंट ही होता है, एल की फॉर्म में अपना रिलेशन निकाल लिया मैंने, तो देखो अब मैंने क्या किया डी बाई डी एल ऑफ, देखो मास तो जीरो से कट ही जाएगा, छोड़ ही दो उसे, तो आर स्क्वायर की जगह क्या पुट किया वी बाय पाई एल, ठीक है, प्लस एल स्क्वायर बाय 12 ऐसे इक्वल टू जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो मैं यहाँ से जब डिफरेंशिएट करूँगा तो मैं डिफरेंशिएट करके एल की वैल्यू निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ वी, एल आएगा इन टर्म्स ऑफ वी, यानी कि वो लेंथ आ गई जब आई की वैल्यू मिनिमम है। अब जब वी की वैल्यू अंदर आएगी उस वी की जगह वापस पुट कर दूंगा पाई आर स्क्वायर एल आंसर आ जाएगा। ये देखो मैं दिखाता हूँ, अब घर जाके ट्राई करना, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू जीरो करेंगे तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी वी और एल के बीच में, और तुम वॉल्यूम को वापस से पुट कर देना पाई आर स्क्वायर एल, √3/2 आंसर आएगा। होमवर्क है आपका नॉन मेडिकल वालों का, मेडिकल को जरूरत नहीं है करने की, एनसीईआरटी वालों को जरूरत नहीं है करने की, कहीं नहीं आएगा, मैं ये भी नहीं कह सकता मेंस में नहीं आएगा, 2 बार आया हुआ आपकी शीट में दिख ही जाएगा, दोनों बार रिपीट हुआ है सेम आंसर, याद था मुझे √3/2। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, करना कैसे है ये ट्राई करके लाना है आप लोगों ने, ठीक है बोल। हाँ
ऑप्शंस करके एल बाय आर। ओके तुम ये कह रहे हो, तुम ये ऑप्शन पुट करके कर सकते हो, ट्राई करो, डन ऐसे ही कर दो। वो कह रहे सॉल्व क्यों करना भाई, मेडिकल में आएगा अब ये। मैं चेंज कर रहा हूँ स्टेटमेंट। वो कह रहे ऑप्शन चेक कर लो, चार ऑप्शन है पुट करके देख लो। देखो ऐसा है, अब मैं आपको आंसर देता हूँ। प्रॉब्लम ये है, नॉर्मली अगर हम थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चले जाएं, क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो आई मैक्सिमम करने का भी यही तरीका है और मिनिमम करने का भी यही तरीका है। तो एल बाई आर की रेशियो रूट थ्री बाई टू आई, ये कैसे पता लगा कि इसमें मिनिमम ही होगा? हाँ वो अलग बात है कि तुम्हें चार ऑप्शन गिवन है, एक तो वहाँ करना ही था, अदरवाइज मैंने आपको डबल डेरिवेटिव करवाया था चेक करने के लिए, याद करो। फिर ये स्टोरी है, पर ये एडवांस लेवल की स्टोरी है, डबल डेरिवेटिव से चेक करना मैक्सिमम है कि नहीं, मेंस में कहाँ आएगा और नीट में क्या ही आएगा, मानना पड़ेगा भाई, बुरा नहीं है मेथड, चल जाएगा। तुम पुट करके दे रहे जिसमें आई मिनिमम में डन है, ठीक है, बुरा तो नहीं कह रहे, ठीक ही तो कह रहे हैं। तो मेडिकल वाले भी ध्यान से सुन लें, आ सकता है तुम ये हिट एंड ट्रायल मार के चेक कर लेना जिसमें आई मिनिमम में आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ये लो, इसका आंसर निकाल दो तो मज़ा आ जाए, आसान है। क्या लग रहा है आंसर? ए लग रहा है फोर। अच्छा एक मिनट और, टू आ रहा है, ट्राई कर लेने दो। टू आ रहा है, देखो इसका आंसर बी है, टू है। मैं बता रहा हूँ ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे डाले गए होते हैं, बच्चा कंपटीशन दे के आता है, घर वाले पूछते हैं, बाहर खड़े होते हैं, गाड़ी में वेट कर रहे होते हैं कि कब आएगा, देखें पेपर बढ़िया हो गया जी, दूर से ही बढ़िया, ठीक, पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, बच्चा भी खुश होता है कि मेरा आंसर आ गया था यार, फोर आया था, सही है। जब कीज आती है ना गड़बड़ हो जाती है, वो कहते हैं ये कैसे हो गया यार, ये तो गारंटी फोर है यार, इसका तो गलत हो ही नहीं सकता। तो उससे पूछा जाता है, वो टीचर डिस्कस भी करता है, कैसे भाई तेरा फोर कैसे आया था? वो कहता देखो उसने दो डिस्क दी थी और उसने आर और अल्फा आर रेडियस दिया था, सेम मटेरियल है, रेशियो ऑफ मोमेंट और इनर्शिया पूछा तो मैंने कर दिया, आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू आर स्क्वायर किया और ऐसी हाफ इंटू एम इंटू अल्फा इंटू आर स्क्वायर किया, मेरा आंसर आ गया था, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, एक तो एम एक ऑलरेडी प्रॉब्लम है, दूसरा मास के साथ तो एक प्रॉब्लम है ही है, जब वो ये कह रहा है कि उसकी थिकनेस सेम है, जब वो ये कह रहा है उसका मटेरियल भी सेम है, फिर तो गारंटेड है वो आपको हिंट दे रहा है भाई डेंसिटी के साथ ही करना और थिकनेस को यूज जरूर कर लेना, नहीं तो ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं दिया करता, वो थिकनेस भी सेम है डेंसिटी भी सेम है तो फिर मास भी सेम, ऐसे सीधा बोल देता मास ही सेम है फिर तो मेरा भी आंसर ठीक आ जाता, उसने मास के बारे में मेंशन ही नहीं किया। तो जब भी तुम्हें डेंसिटीज थिकनेस इसके बारे में बातें करें ना तो समझ लेना मास को मास लेना ही नहीं है, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लेना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। तो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आई वन बाई आई टू में हाफ इंटू मास इंटू आर स्क्वायर है और यहाँ पर हाफ इंटू इसका मास इंटू
अल्फा आर स्क्वायर है, तो हाफ इंटू मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, नीचे भी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी है, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर बाई अल्फा आर स्क्वायर है। अब जब वॉल्यूम पुट करेंगे, वॉल्यूम तो यहाँ क्या पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, डिस्क है, डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस क्या है, टी मान लेते हैं, एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, वॉल्यूम, तो रो सेम ही है। और नीचे भी क्या पुट करेंगे, पाई इंटू एल्फा इंटू आर का स्क्वायर इंटू थिकनेस, तो आपका आंसर आएगा। रादर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, जो आई है वो हाफ इंटू मास इंटू रेडियस स्क्वायर है, आई इज इक्वल टू हाफ इंटू मास का मतलब वॉल्यूम इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर है, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 है। इतना लंबा क्यों करना, आर के साथ रिलेशन आ तो गया, आई प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 है, स्क्वायर नहीं है अब 4 है, तो आंसर 2 नहीं है, आंसर 4 नहीं है, आंसर 2 है। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो इसके अंदर यही रूल है, आई प्रोपोर्शनल टू आर रेज टू पावर 4 है, आई टू बाई आई वन कर लेना, अगर आई वन बाई आई टू, जो आई टू बाई आई वन है, सॉल्व करके आई टू आई वन की रेशियो पता, तो यहाँ से अल्फा आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल है, कोई डाउट इसमें, तो जब भी डेंसिटी थिकनेस की बात गिवन हो, मतलब हिंट दे रहा है भाई वॉल्यूम ले लेना, तभी मैं ये चीज़ दे रहा हूँ तो दूंगा नहीं, ठीक है, यहाँ तक होमवर्क है, लो अब इसका क्या कर लें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग मैंने आपको डराइव करवाया था, स्मॉल एलिमेंट लिया था, स्मॉल एलिमेंट को हमने क्या किया, इंटीग्रेट करके एम आर स्क्वायर आंसर आया था, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मैंने कहा था डिस्क ना रिंग से बनी होती है, कैसे तैसे, मतलब वो एनसीईआरटी में आए ना आए, पर मैंने करवा दिया था, रिंग डिस्क से बनी होती है, और वहाँ से आई कैसे आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। फिर मैंने कहा डेरिवेशन करते हैं रॉड की, एम आर स्क्वायर बाई 12, तीन डेरिवेशन करवाई थी, फिर मैंने करवानी बंद कर दी, मैंने कहा यार क्या ही करेंगे, सॉलिड स्फीयर की भी लंबी डेरिवेशन है, सॉलिड सिलेंडर की भी है, कोन की भी है, उठा के कोन की दे दी, और कोन की डेरिवेशन कैसी बनेगी आई की, वो कह रहे जी एक्सिस है, कोन है सर, ये सॉलिड कोन है, देखो अच्छा हाँ कोई अच्छा बता रहा हूँ, ठीक है ठीक कह रहे हो, हॉलो कोन है, तो रिंग लेके पहले रिंग लेंगे, फिर रिंग लेंगे, फिर रिंग लेंगे, फिर रिंग लेंगे, ऐसा ही होगा, इसकी इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ऐसी आएगी, जिसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो प्लस टू में मैथ के टीचर करवाएंगे ये उससे सॉल्व होने वाली है, मतलब प्लस टू मैथ के बाद ही आप कर पाओगे इसकी इंटीग्रेशन का क्रैक। फिलहाल प्लीज़ इसका फॉर्मूला याद करें, जब स्फीयर का कर लिया, रिंग का कर लिया, डिस्क का कर लिया, तो कोन का फॉर्मूला याद करें, हाफ एम आर स्क्वायर, अगर एक्सिस बीच में से पास कर रहा है और ये हॉलो है, हाफ एम आर स्क्वायर। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा और फॉर्मूलाज की, ऐसे कोन्स की, ताकि इधर उधर बॉडी टेढ़ी मेढ़ी और भी आ जाएं, कम से कम वो लिस्ट चिपका लेना उसमें फॉर्मूला रजिस्टर में, मैं बना के दे दूंगा आपको लिस्ट, समझ में आ रहा है यहाँ तक, पूरी मोमेंट इनर्शिया की लिस्ट बना के दे दूंगा, उसको चिपका लेना, और अगर ऐसे और रास्ते में मिलती जाए फिगर उसमें ऐड करते जाना। इतनी इंटीग्रेशन, अगर तुम ये सोच रहे हो मैं पेपर में जाऊंगा और मैं इंटीग्रेशन करूंगा और मैं फर्स्ट आऊंगा, तुम फर्स्ट नहीं आओगे, तुम कहीं दो चार रैंक पीछे हट जाओगे, इतने समय किसके पास है, तो पेपर तो पूरे नहीं होते मेंस के और कंपटीशन के, किसी के पेपर कैसे पूरे होंगे, मैथ का इतना लंबा पेपर आता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, लंबे पेपर आते हैं। तो कहने का मतलब है, तो टाइम बचाने की टेक्निक है, तो आपको ये लिस्ट में ही एंटर करना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। हाँ, अगर आप एडवांस की तरफ जा रहे हैं फिर आप अपनी कॉपी में इसके कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करके भी देखें, कि हो सकता है वो आपको कुछ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कल को दे दे एडवांस में, तो यूनिफॉर्म है ना, फॉर्मूला याद हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है तो इंडिकेशन ही चलेगी। तो मेंस वाले भी देते हैं, पर मेंस वाले छोटे लेवल पे देते हैं, रिंग और डिस्क देते हैं। अभी आने वाले हैं क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आएंगे नॉन यूनिफॉर्म मास के, उसका आई निकाल लो, हमें निकालना नहीं, अब हम निकाल लेंगे, पर कोन का आप याद कर लो, कोन की इंडिकेशन थोड़ी बड़ी है, ठीक है सर। ये लो, यहाँ से शुरू करते हैं, बोलो सर। बोलो बोलो। जो कोन वाली है उसको हम थिन रॉड से भी कर सकते हैं कैसे सर? जैसे हमने रिंग्स ली हैं, थिन रिंग्स ली हैं, अगर हमें स्लांट हाइट और उसकी कोन की हाइट का एंगल दिया हो,
तो उससे हम रॉड से भी कर सकते हैं जो हमने आज करी थी नहीं, मैं इंक्लाइंड तो रॉड वाली। अगर आप उसको रिंग बोल रहे हो तो रिंग के ही एलिमेंट्री पोर्शन ही रिंग है, तो रिंग का ही डीआई निकलेगा। रॉड तो कहीं मुझे फिगर में दिख भी नहीं रही इसमें। नहीं सर, जैसे कोन में हमें जो उसकी हाइट होती है और जो कोन की स्लांट हाइट होती है उसके बीच का एंगल गिवन हो, दे दिया, तो उसके अंदर हमने अगर हर एलिमेंट को एक वेरी थिन रॉड मान लिया तो नहीं नहीं उसके नहीं नहीं थ्रू कर नहीं नहीं सकते नहीं कर हैं। सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हो जी स्लांट हाइट ले लेता हूँ ये, तो ये रॉड की नहीं, ऐसे नहीं है, वो है ही नहीं कुछ भी, ये वर्चुअल है, कुछ भी नहीं, तो एक्सिस है, और ये भी कुछ नहीं है, ये तो रिंग्स को टच करती हुई साइट है। तो नहीं, मेरे को लगता नहीं है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है सर, ठीक है, नहीं आना, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको ये रिंग के साथ ही करना चाहिए, हमें ट्राई भी मत करना है इसको, रिंग के साथ ही चलेगा ये। वैसे अगर कोई इसको करना चाहता है तो मैंने सेंटर ऑफ मास की वीडियोस कही थी सुनने के लिए, कॉपी में नोट करने के लिए, कोन का सेंटर ऑफ मास की हाइट बोली थी मैंने। कोई है जिससे सुनी और कॉपी में नोट की, जिसने सुने, उसमें ये सब सॉल्व है। तो कोई देखना चाहे तो मुझसे ले ले, कोन कैसे सॉल्व होते हैं, सॉलिड स्फीयर कैसे सॉल्व होता है, अगर इंटरेस्टेड है तो वो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका बताएगा, और कोन की इंटीग्रेशन कैसे करनी है वो भी मैंने उसमें बता रखी है। तो अगर चाहो तो वो ले लो, या एच सी वर्मा की सेंटर ऑफ मास का चैप्टर है पूरे का पूरा, सिर्फ उसी बुक में वो पूरी सॉल्व है, वो मैंने पूरी की पूरी बुक वीडियो में डाल रखी है। तो आप चाहो तो आपका टाइम बच जाएगा, और तो कुछ नहीं है, वो वीडियो सुन लोगे तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मेन नीड तक उसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। कोई एडवांस में जाना चाहे तो बात अलग है, उनको इंटीग्रेशन चाहिए होंगी, नहीं तो चाहिए नहीं है, इतना की सफिशियंट रहता है। ठीक है, तो मेरा बताना बनता है कि वह कैसे है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और क्वेश्चन याद आया, मैं पिछली बार भी भूल गया, इस बार भूल ना जाऊँ इससे पहले वही करवा दूँ। अपनी कॉपी ओपन करो, बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपनी कॉपी ओपन करो, इसमें इमेजिन करो, लिखो, आपके पास एक डिस्क है, ये रही, आपके पास एक डिस्क है जिसका मास एम है एंड रेडियस आर है, ये रही डिस्क, एक डिस्क है, मास एम है और रेडियस आर है। ठीक है, इस डिस्क का अगर मैं एक्सिस ओ लूं और सेंटर से पास हो रहा है ओ, तो फॉर्मूला क्या आएगा डिस्क का, हाफ एम आर स्क्वायर, बात खत्म, सही है। इस डिस्क में से एक और डिस्क कंसिडर करो और काटो और फेंक दो, वो सेंटर ऑफ मास की तरह ही काट दो और फेंक दो, ये आपका पीछा प्लस टू तक तो छोड़ेगा नहीं क्वेश्चन। डिस्क में से डिस्क काटने वाला, पहली बार सेंटर ऑफ मास में आएगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, चार डिस्क में से डिस्क काट के फेंक दी, बचा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें से भी एक कैविटी कर दी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना बचा ये बताओ, तो मतलब पक्के हो ही जाओगे 2 साल में, काटना सीख ही जाओगे डिस्क में से डिस्क कैसे कटेगा। ठीक है, तो ये डिस्क में से डिस्क कट कर दिया, इसका रेडियस कितने, आर बाय टू। ठीक है, बची हुई रिमेनिंग डिस्क आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग डिस्क का आई निकालना है, बस ये क्वेश्चन है। कटी हुई डिस्क मींस काट दिया, फिर बचा हुआ जो आई है वो आपको निकालना है। मतलब मेरे को इतना पता है कि जो अगर आपको रिमेनिंग निकालना है तो आए जो टोटल था पूरी डिस्क का ओ के अबाउट, इसमें से कट होने वाला जो डिस्क है उसका आए माइनस कर दो, ये कौन सा वेक्टर है जो डायरेक्शन देखनी है, तो टोटल इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो टोटल अगर आई नॉट है जिस डिस्क को काट के फेंक दिया उसका आए आई कट है, तो माइनस करके जो बचा वो रिमेनिंग आ जाएगा। अगर ये क्लियर है, कोई डाउट इसमें, मेथड समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं करना, पूरा पहले टोटल ले लो ओके अबाउट, सारा मास लेके फिर कटी हुई डिस्क का काट के फेंक दो और माइनस करके आंसर। अब बात यह है कि इसका सेंटर अगर ओ डैश है, इस जो कटी हुई डिस्क है काट के फेंका, इसका मास कितना होगा, एम बाय फोर, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया ऑफ द डिस्क, और मैंने सिखाया भी था कि अगर टोटल एरिया डिस्क का पाई आर स्क्वायर है तो मास एम है, और अगर वन है तो एम बाय पाई आर स्क्वायर है, और अगर पाई इंटू आर बाय टू का स्क्वायर है तो एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर बाय टू का होल स्क्वायर, तो आंसर एम बाय फोर आएगा।
क्लियर है यहाँ तक? ऐसा सेंटर ऑफ मास में भी किया करते थे m/4। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक। अब ये बताओ कि जिस डिस्क को कट करके फेंक रहे हो, आई ओ डैश उसका एक्सिस है, ओ डैश है, एक मिनट पहले ओ डैश निकाल ले, है ना? तो पहले ओ डैश में वैल्यू क्या आएगी? हाफ इंटू इसका मास क्या है? m/4 इंटू रेडियस क्या है? r/2 का होल। ये क्लियर है? ओ डैश आ गया, तो कटी हुई डिस्क का ओ डैश आ गया, टोटल ओ आ गया। क्या मैं दोनों को माइनस कर दूं? ऐसे कैसे? यस, वो कुछ कह रहा था, सुना नहीं? क्या मैं माइनस कर दूं, आंसर आ जाएगा? बोला तो कुछ ऐसा ही था मैंने, सही कह रहा है यार? ऐसा कभी हो सकता है? एक डिस्क का एक्सिस ये घूम रहा है ओ, एक का ये घूम रहा है, तुम ऐसे माइनस कैसे कर दोगे? माइनस तब कर सकते हो जब दोनों के एक्सिस कोइंसाइड करें, तब आप माइनस करोगे। एक का एक्सिस ओ में घूम रहा है, एक का ओ डैश में घूम रहा है। पहले काम करो, कटी हुई डिस्क का एक्सिस ओ डैश से हटा के ओ पे शिफ्ट करो बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो ओ डैश को ओ पे शिफ्ट करते हैं तो कटी हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अबाउट एक्सिस ओ, ओ डैश नहीं, अबाउट एक्सिस ओ। तो क्या आएगा? आई ओ डैश तो होगा ही होगा, है ना? प्लस m/4 इंटू r/2 का होल, m ना लगा देना, m/4 लगाना, पता लगे फ्लो में करते करते m2 लगा गए, m/4 इंटू r/2 स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसके अबाउट जो मोमेंट इनर्शिया होगा अब इसका, तो दिस प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो आए जो कटी हुई डिस्क है अबाउट एक्सेस ओ इज, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है? m r² बाई कितना है? 4 4 16, कितना? 32, प्लस m r² बाई कितना आ गया? 16, सही है? ये बनेगी बात। अब ये कटी हुई डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया अबाउट एक्सिस ओ। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, आई ओ तो आपको पता ही है हाफ इंटू m r² है, और कटी हुई डिस्क का m r² बाई 32 है, m r² बाई 16 है। ये लो आंसर निकाल लेना माइनस करके, मेथड ऐसा ही कुछ, जो भी आता होगा आता होगा। मेथड समझ में आ रहा है? एक्सिस कोइंसाइड ना किए तो पक्का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ओ एक्सिस में से ओ डैश के एक्सिस के आई को माइनस करके, ये नहीं हो सकता। तो पहले तुम्हें कटी हुई डिस्क को शिफ्ट करके ओ पे लाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। खुद बनाया क्वेश्चन तो मुझे पता है इसका आंसर क्या है। मैं ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो मैंने ये भी आते देखे हैं। वो कहेगा कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में से चार डिस्क काट दी, 1 2 3 और 4, इसके एक्सिस के अबाउट बचा हुआ आई निकालो। निकालते रहना, चार चार थ्योरम पैरेलल एक्सिस लगेंगी। पहले शीट का निकाल लेना m² बाई 6, फिर इसका निकाल के इस पे शिफ्ट इंटू 4 कर देना है, और फिर माइनस। हाँ बिल्कुल, मैं कहने का मतलब ट्रिक पता लग गई तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब कैसे भी काटे पीटे आंसर आ ही जाएगा, एक्सेप्ट दो क्वेश्चन जो मेंस में दोनों आए हुए हैं। मतलब कमाल है, उसने क्वेश्चन ही ऐसा डाला कि तुम कुछ भी कर लो, तुम ये एक टेक्निक ही तुम्हारी फेल कर दी उसने। आएगा अभी, रुक जाओ, तुम्हें होमवर्क दूंगा करने के लिए, वो लगा लेना, आंसर नहीं आएगा तुमसे। हो सकता है आंसर आ भी जाए, डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं आएगा, उलझा देगा तुम्हें। इसी में कट करके फेंकने वाले क्वेश्चन में शेप ही ऐसे देगा जिसका फॉर्मूला ही आपको पता नहीं होगा। अब कहेगा आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ये मजे की बात है, तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता होगा उसका। और एक ऐसी टेक्निक है कि अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं पता और आपने काट के फेंकने किसी चीज़ को, तो भी आंसर आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट टाइम, अभी आएगा शायद, आ भी जाए मैं कह नहीं सकता आज। मतलब ये PYQ के अंदर अच्छी वैरायटी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के बने हैं। लो इस क्वेश्चन का क्या करना है, देखो आ गया नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास।
ठीक है, देख लिया क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द रॉड। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन लेंथ। अच्छा वॉल्यूम, अच्छा एरिया। भाई लीनियर का मतलब लेंथ ही होती है। लीनियर मास मतलब मास अपॉन लेंथ है। तो तुम ठीक ही बोल रहे थे, मास पर लेंथ। तुम्हें सेंटर ऑफ मास आता नहीं है, इससे साफ पता लग रहा है तुम्हें सेंटर ऑफ मास की प्रैक्टिस नहीं की, नहीं तो तुम ये क्वेश्चन पूछते ही ना। कि सेंटर ऑफ मास के अंदर मैंने ये स्टार्ट यहाँ से करवाया, तीन किस्म से मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। कोई नहीं, आने वाला है उसका टेस्ट, तैयारी कर लेना। ठीक, तो अभी लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, मास अपॉन लेंथ गिवन है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मास अपॉन लेंथ इसमें चेंज हो रहा है। कैसे? क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है, तो मास बाय लेंथ भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर एक्स छोटा है तो मास कम है, अगर एक्स बढ़ता जाएगा डेंसिटी बढ़ जाएगी, मास ज़्यादा हो जाएगा। इफ एम इज द मास ऑफ द रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज इक्वल टू वॉट। वो कह रहा है एक रॉड है ए बी जिसकी लेंथ एल है, एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है? वो कह रहा है ए से, ये एक्सिस है। इसके अबाउट आपको आई निकालना है। अब काश मास कांस्टेंट होता तो आंसर क्या होता? एम एल स्क्वायर बाई थ्री। मास कांस्टेंट होता एम एल स्क्वायर बाई थ्री, मास कांस्टेंट नहीं तो मतलब ही नहीं है ये लगने का। ठीक है, तो रॉड में तीन चीज़ें पक्की हैं। रॉड देखते ही जब पता लग जाए कि इंटीग्रेशन यूज होने वाली है। अब कैसे पता लगी? क्योंकि मास तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप क्या करोगे, इसका डीएम मास लोगे, लेंथ डीएक्स लोगे और कितनी दूरी पे लोगे एक्स। ये तीन चीज़ें पक्की होती हैं रॉड में, डीएम, डीएक्स और एक्स। सही है, आज भी किया था हमने। तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है, आप इसमें डीएम मास निकालेंगे, उसको एक्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर्मूला क्या लगता है? एक फॉर्मूला लिखवाया था, सेंटर ऑफ मास का भी लिखवाया था, मोमेंट ऑफ। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अच्छा ये बताओ इसका मास कितना है, डीएम है, और डिस्टेंस कितना है? ये पॉइंट मास है ना, तो पॉइंट मास में तो कुछ करना ही नहीं है, डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? डीआई। सही है, टोटल मोमेंट इनर्शिया के लिए पूरी रॉड के लिए इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? देखो अब और कोई तरीका ही नहीं है, पॉइंट मास का से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले पॉइंट मास लेंगे, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे और टोटल मोमेंट इनर्शिया आ जाएगा। तो डीएम की वैल्यू बोलो क्या होगी? डीएम क्या है? लैम्डा इंटू डीएक्स। डीएम क्या है? लैम्डा इंटू डीएक्स। लैम्डा का मतलब क्या है? मास अपॉन लेंथ इंटू लेंथ क्या है? डीएक्स। तो डीएम आ गया। अब एक काम करो, इसमें लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दो। लैम्डा कितना है? लैम्डा नॉट वन प्लस एक्स बाय एल इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये लो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी। अब अपनी कॉपी खोलो, जीरो से आए और जीरो से एल तक इसको क्या करो, इंटीग्रेट, और निकाल लो जरा आई क्या आ रहा है। आंसर भी आ गया, चेक करता हूँ बी। वो तो लैम्डा का लीनियर मास डेंसिटी होती ही है, लीनियर वर्ड आ गया तो मास अपॉन लेंथ ही है। सरफेस मास डेंसिटी होती तो फिर मास बाय एरिया होता, सिग्मा होता वो। तो इसे इंटीग्रेट करो, लैम्डा नॉट कैसे गायब किया? आंसर तो लैम्डा नॉट की फॉर्म में आ रहा है, पर ऑप्शन में लैम्डा नॉट नहीं है। एम बाई एल आंसर नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा एम बाई एल, नहीं आएगा। लैम्डा नॉट कैसे गया? मास निकाला, इंटीग्रेशन से मास निकलेगा, एम बाई एल लैम्डा नहीं है क्योंकि कांस्टेंट नहीं ना। हाँ पर इंटीग्रेशन से,
तो ये चेक करो, ये पॉइंट क्लियर आया था। अगर आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म, इसे ब्रेक करें, इंटीग्रेशन करके आपके पास ये आंसर आएगा। नॉन मेडिकल वाले बिल्कुल चिंता ना करें इंटीग्रेशन की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी प्लस टू में आता नहीं है, मतलब सवाल यहाँ तो स्टार्ट भी नहीं होती इंटीग्रेशन प्लस टू की। तो आपको ठीक ठाक मैथ्स के टीचर ठीक करवा देंगे, और मेडिकल में आई डाउट कि इतना शायद डीप में जाते होंगे, मुझे आइडिया कम ही लग रहा है, मुश्किल है। तो ये इंटीग्रेशन करने पे ये आंसर आ गया। अब एक प्रॉब्लम है, उसे आए पूछा, पर आए ऑप्शन में मास की फॉर्म में है और मेरा आंसर लैम्डा नॉट की फॉर्म में है। एक काम करते हैं, टोटल मास क्या होगा? टोटल मास, सिर्फ मास, मास होगा लैम्डा इंटू डी एक्स, क्योंकि लैम्डा का मतलब क्या है? मास बाय लेंथ। मास बाय लेंथ को डी एक्स से मल्टीप्लाई करके जीरो से एल एक बार फिर से लैम्डा पुट करके इंटीग्रेट किया, तो मेरे पास सॉल्व करके इसकी इंटीग्रेशन करके मेरे पास मास की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 3/2 लैम्डा नॉट बाय एल। मतलब तुम्हें मास इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा फिर से एक बार, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा नॉट क्या है? 2m/3l। इस लैम्डा नॉट को यहाँ पुट करके मास की फॉर्म में आंसर आएगा। ये इसका आंसर। तो लैम्डा नॉट में छोड़ नहीं सकते, और लैम्डा नॉट निकालने का तरीका सिर्फ मास के पास ही है, तो टोटल मास अलग से बाय इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल मास निकलेगा बाय इंटीग्रेशन, तो कैसे निकलेगा? लैम्डा इंटू डी एक्स, लैम्डा का मतलब है मास बाय लेंथ, इंटू स्मॉल लेंथ कितनी है? डी एक्स। तो स्मॉल मास आ गया, इसको इंटीग्रेट किया, टोटल मास आ गया। टोटल मास लैम्डा नॉट की फॉर्म में आया, वहाँ से लैम्डा नॉट निकाल के पुट किया और आंसर आएगा। इससे आई आया जो निकालना था, पर प्रॉब्लम ये है जो आई आया वो लैम्डा नॉट की फॉर्म में आ गया और मुझे मास चाहिए। अब मास कैसे निकलेगा? क्योंकि रॉड के ऊपर मास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मास तो इंटीग्रेशन से निकलेगा। पहले हाँ छोटा मास लेना पड़ेगा, फिर टोटल मास निकालना पड़ेगा, जो कि ये आएगा, ये मास आया। आप तो लैम्डा नॉट मास की फॉर्म में निकाल के पुट करके आंसर आया। ऐसे ट्राई करना, घर होमवर्क, ये सब होमवर्क है आपके। ये बिना देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कर लिया, नहीं बिल्कुल नहीं किया, ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैं एक्सपर्ट हुआ हूँ। तो कोई अगले साल कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर आप प्लीज़ मेरे डाउट लेंगे, मैं कहूँ हाँ डाउट लेंगे, तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? देखो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी नहीं, मैं कहूँगा सर बड़े एक्सपर्ट है, मतलब तुमने बनाया, तुम मेरी प्रैक्टिस अच्छी करवा रहे हो, पर एक्चुअल में तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, एक्चुअल में तो प्रैक्टिस तुम्हारी चाहिए, और तुम अपनी कॉपी में हर चीज़ को सॉल्व करो। जब तक याद करो काइनेमेटिक्स में क्या बोलता था, जब तक आंसर ना आए, बोला था ना एक दिन, काफ़ी बार बोला था, तब तक क्वेश्चन मत छोड़ना, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट गया। आप पेपर में सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आप क्लास में सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप घर पे सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर आपके घर पे बैठ के आंसर नहीं आ रहा, आपका एग्जाम में कभी आंसर नहीं आएगा, पक्की बात है। कहाँ से करोगे इतने प्रेशर में, काम हो ही नहीं पाएगा। तो आदत डाल लो, चाहे 10 करो चाहे 20 करो, एंड टू एंड करो, ठीक है, और लिख लिख के करो। ये क्वेश्चन अभी होगा नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन का टॉपिक है, ऐसे मत करना। वैसे ये प्रॉब्लम वही है, डिस्क में से डिस्क काटने वाली। लो
अब ये थोड़ा स्केल अप कर दिया। अब वो कह रहा है जी मेरे को डिस्क का आई निकाल के दिखाओ। अब डिस्क का आई तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है, पर वो कह रहा है जी मास अगर कांस्टेंट है तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्या गिवन है? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? मास बाय एरिया। लैम्डा क्या होता है? मास बाय लेंथ। सिग्मा होता है मास बाय एरिया। तो डिस्टेंस जैसे जैसे आर बढ़ रहा है सिग्मा बढ़ रहा है, मास बाय एरिया बढ़ रहा है, तो डेंसिटी बढ़ रही है तो मास बढ़ता जा रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको क्या निकालना है? पूरी डिस्क का आई निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? वो रॉड था, ये डिस्क है। तो इसको इस तरीके से करेंगे। सपोज आपके पास ये एक डिस्क है, ठीक, ये डिस्क है। इस डिस्क का टोटल रेडियस ए है और मास इसका एम है, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू क्या गिवन है इसमें? सम कांस्टेंट ए सम कांस्टेंट बी इंटू आर, ये गिवन है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब जब मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो आपका जो क्वेश्चन है, या डिस्क किससे बनी हुई है? बहुत सारी रिंग से। अब हर रिंग का मास डिफरेंट है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो तुम कोई भी एक रिंग का आई निकाल दो, फिर इंटीग्रेशन से टोटल आया जाएगा। तो इसके लिए एक रिंग लेनी पड़ेगी। एक रिंग, ये आपने एक रिंग ली, ये रही, किसी भी आर्बिट्ररी डिस्टेंस पे ले लें, ठीक है। इसका रेडियस स्मॉल आर है, थिकनेस डी आर है, ये एक रिंग है जिसका मास डी एम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तीन डेरिवेशन मैंने आपको करवाई थी, एक रिंग की, एक डिस्क की और एक रॉड की। वो सिर्फ इसलिए करवाई थी क्योंकि मुझे मालूम था, वैसे तो मैं एनसीईआरटी का पार्ट था, पर एनसीईआरटी वालों ने हटा दिया उसको, डिस्क और डेरिवेशन देते नहीं हैं। कई स्कूल वाले दे भी देते हैं, बट सुना है कि थोड़ी एनसीईआरटी की बुक ने हटाया उसे। आप मुझे बताओ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, उन्होंने हटा दिया, स्टूडेंट ने फॉर्मूले याद कर लिए, ये क्वेश्चन कैसे होएगा यार? मतलब है तो बड़ी बेसिक सी चीज़, इंटीग्रेशन करना, उसकी डेरिवेशन करना है तो कुछ नहीं, पर देखो ना, वो पूरी डेरिवेशन पूछ ली उसने कैसे। ऐसी तो की थी, एक रिंग ली थी, तो पहले इस रिंग रिंग का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास ऑफ रिंग इंटू रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर। और मेरी रिंग का रेडियस क्या है? छोटा आर, तो मास इंटू छोटा आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, रिंग का आया आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें मास ऑफ रिंग निकालें। मास ऑफ रिंग कैसे निकलेगा? देखो, मास ऑफ रिंग बोलो, सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? मास अपॉन एरिया इनटू एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग। ऐसे ही है, सिग्मा को एरिया ऑफ रिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ रिंग आ गया। तो इसमें डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया ऑफ रिंग, बोलो क्या पुट किया? 2 पाई आर इंटू डी आर, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस। हाँ, वो ठीक कह रहे हो, पर मैंने एक शॉर्टकट करवाया था। ये शेडेड एरिया निकालने के लिए डेरिवेशन करवाई थी, सर्कमफ्रेंस इंटू थिकनेस कर दोगे तो शेडेड एरिया आ जाएगा, और सर्कमफ्रेंस है कितना? 2 पाई आर इंटू डी आर। वैसे आउटर रिंग का एरिया माइनस इनर का भी आ जाएगा, पर मैंने शॉर्टकट डेरिवेशन एनसीईआरटी में बुकलेट में करके दिखाई थी, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो आप यही पुट करो ना, तो डी आई विल बी इक्वल टू डीएम का मतलब सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर। तो डी आई की वैल्यू आएगी सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर क्यूब इंटू डी आर। अब देखो, सारा खेल सिग्मा का है। ये क्वेश्चन मेंस में 3 बार आया हुआ है लगातार, और ऑलमोस्ट आता जाता है, आता ही रहता है ये। बस एक ही फर्क है, तुम्हें वो सिग्मा चेंज करके देगा। तुम देख लेना, होमवर्क दूंगा तुम्हें, सिग्मा अलग अलग आएगा, किसी में 2 आर, किसी में 3 आर, किसी में 4 आर, और इसमें सिग्मा कितना है? ए प्लस बी इंटू आर।
इंटू 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर। बस तुम्हें इसकी इंटीग्रेशन करनी है 0 से a तक, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, होमवर्क करना है और आई मार्क करना है सी सी ऑप्शन। मतलब अगर ये डिस्क की प्रॉब्लम आ जाए बिल्कुल भी, मतलब ये तो खुशी की बात है क्योंकि यहाँ तक तो सारा स्ट्रक्चर ही सेम है, बस सिग्मा चेंज करते रहो आंसर। और अगर रॉड का क्वेश्चन आ जाए तो भी अच्छी बात है क्योंकि लैम्डा चेंज करते रहो बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो डिस्क और रॉड आते रहते हैं दोनों, तो समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या है इसका, तो इसको होमवर्क नोट करें। हंड्रेड 100 क्वेश्चन तक होमवर्क करके लाने हैं आपने, 100 नंबर तक। अगली बार मैंने डाउट्स देने हैं तो डाउट होंगे 100 नंबर तक।